हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले हम 2019 से 2000 तक नीट में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और ये है 2017 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, और आज हम देख लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, यानी कि आँखों का अच्छा विजन कैरोटीन रिच फूड पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना अच्छा हम कैरोटीन रिच फूड खाते हैं उतना ही अच्छा विजन होता है। तो इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला है, विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, तो ये सही है। द फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, तो ये गलत है। रेटिनॉल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, तो ये भी सही है, आप जानते होंगे। रेटिनॉल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स, ये भी गलत है। तो इसका केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, यानी कि एक एग्रोस जेल पर अलग किए गए हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को किसकी स्टेनिंग के बाद देखा जा सकता है? एसिटोकार्बिन, एमिलीन ब्लू, एथिडियम ब्रोमाइड, या फिर ब्रोमोफिनोल ब्लू। सही आंसर है सी, एथिडियम ब्रोमाइड के बाद हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, यानी कि हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर में ब्लड कहाँ से लेकर आती है? स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन, या फिर हार्ट। तो देखिए, लीवर में टू सोर्सेस से ब्लड आता है। मान लीजिए ये लीवर है और इसमें दो सोर्स से ब्लड आता है। तो पहला सोर्स होता है हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी जिसमें कि प्योर ब्लड आता है, एंड ये ब्लड आता है एओर्टा से, हार्ट के एओर्टा से ये ब्लड आता है। एंड दूसरा है इंटेस्टाइन या फिर स्टमक से, एंड इसे लेकर आता है हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन जिसमें कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी बोथ, क्योंकि स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों से ही या फिर इनमें से ही हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर को ब्लड लेके जाती है। द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली किस में डिवाइड हो जाती है या फिर किससे बनाती है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म, या फिर फिलोडर्म। तो देखिए, वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में डिवाइड हो जाती है या फिर इसे बनाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सेकेंडरी जाइलम। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया दोनों ही ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में हुई प्रॉब्लम के कारण होते हैं। तो इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो पहला स्टेटमेंट है, बोथ आर ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चैन सिंथेसिस, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, या फिर बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चैन सिंथेसिस। तो देखिए, सिकल सेल अनिमिया एक पॉइंट म्यूटेशन से होता है जिसमें बीटा ग्लोबिन चैन की सिक्स पोजिशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन ले लेता है, इसलिए ये एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। बाकी ए, सी एंड डी ये तीनों गलत हैं। द जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ के जीनोटाइप्स दिए हुए हैं और हमसे यहाँ पे इनके चिल्ड्रन में जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स पूछे हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इनका क्रॉसिंग करा लेते हैं। तो एक तरफ है आई ए आई बी जो कि हस्बैंड है, एंड एक तरफ वाइफ जिसका है आई ए आई। तो अब देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आएगा आई ए
यहाँ आई ए आई, यहाँ आई ए आई बी, एंड लास्ट में आएगा यहाँ पे दिया हुआ आई बी और आई, तो यहाँ पे आएगा आई बी आई। तो देखिए यहाँ पे जीनोटाइप होगा इनका, जीनोटाइप इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो जीनोटाइप तो होगा इनका 4। बात करें फिनोटाइप की, तो देखिए फिनोटाइप में यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ पे है ए बी तो यहाँ पे ए बी आएगा, एंड लास्ट में है बी तो यहाँ पे आएगा बी। एक दो और ए भी दो है तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3, तो इनका फिनोटाइप होगा 3 एंड जीनोटाइप होगा 4, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, इनमें से कौन स्टोमेटल अपर्चर को खोलने में सहयोग करता है। तो राइट आंसर है बी, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गॉड सेल। इन बोगेनविला थॉम्स आर द मोडिफिकेशन ऑफ, बोगेनविला में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, एडवेंटिशियस रूट, स्टेम, लीफ या फिर स्टिप्यूल्स। सही आंसर है बी, स्टेम। वेज वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें से कौन एक्स सीटू कंजर्वेशन से संबंधित है ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो कि खतरे में है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो देखिए ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जिन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर किसी आर्टिफिशियल स्थान पर कंजर्व किया जाता है उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जबकि इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड हिमालयन रीजन, ये तीनों इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होते हैं, इलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या फिर मैचुरेशन। तो सही आंसर है डी, जोन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। अ डिसीज कॉज बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, राइट आंसर इज डी, डाउन सिंड्रोम। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, सही आंसर है डी, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के समय होने वाले इवेंट्स का सही क्रम क्या है, इसका सही आंसर है ए, सबसे पहले होता है कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेम्बलिंग, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड लास्ट में टीलोफेस। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, एक्सप्रेस प्रोटीन को मार्केट में ले जाने से पहले सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग या फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सही आंसर है ए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कार्पस कार्डिकम, कार्पस लूटियम, कार्पस एलाटम या फिर पीनियल ग्लैंड। सही आंसर है बी, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम ह्यूमन फीमेल में पाई जाती है एंड ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करती है जो कि एंडोथीलियम की मेंटेनेंस करता है। और आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है और उसे डाउटनट ऐप पर अपलोड करना है। कुछ ही सेकंड में आपको अपने क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, एंड इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।